राम में जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आर्मी सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आर में उमर खालिद और सरजील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो, तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूं। रुचि बहन, जानवी दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं, जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। हे भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से। मैं खाली कड़ा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आर में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम।